डेली लर्नर्स, आज एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म विलयन के अणुओं पर निर्भर करते हैं, तो उन्हीं में हमने चार अणुसंघ के गुणधर्म लिए थे। उन चार में से एक अणुसंघ के गुणधर्म है हमारा वास्तव का अपेक्षित अवलंबन। राज के नियम से आप ये पढ़ चुके हैं कि एक अवास्पशील विलय तथा एक वाष्पशील विलायक युक्त विलयन, विलायक युक्त किसी द्विक विलयन, द्विक विलयन का मतलब उसमें विलय विलायक दो है, द्विक विलयन का वास्तव में सापेक्ष अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, विलय के मूल अंश के बराबर, मूल अंश या मूल प्रभाज एक ही बात, ठीक है। तो अब देखिए, इसी आधार पर आप देख सकते हैं कि यहां माना कि विलायक का वाष्प दाब बराबर पी, और जब हम उसमें कोई विलेय मिला देते हैं तो विलयन का वाष्प दाब ये पी जीरो कर दीजिए, इक्वल टू पी, ठीक है। अब इसमें ये मान लीजिए कि विलेय का मूल प्रभाज बराबर x2, विलायक का मूल प्रभाज बराबर x1, ठीक है। तो ये हमने मान लिया है। अब देखिए, हमने पीछे भी अध्ययन किया है इसका और यहां भी देखते हैं कि जो विलायक का वाष्प दाब है पी जीरो, ये विलायक का वाष्प दाब पी जीरो विलयन के वाष्प दाब पी इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स वन, इंटू एक्स वन, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण, ये मूल प्रभाज है, मैंने यह लिख दिया है, और P0 इसका वास्तव है विलायक, तो विलयन का वास्तव P इक्वल टू इसके मुकाबले हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा P, देखिए डेल्टा P जो होता है ये इक्वल टू होता है P0 माइनस P, क्योंकि इसका वाष्प दाब अधिक है, इसका वाष्प दाब कम है। क्यों कम है ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, एक बार फिर आप समझ लीजिएगा कि जब विलेय विलायक होता है तो उसके अणु पूरी सतह से वाष्पित होते हैं और उनका दाब पड़ता है, लेकिन जब उसमें विलेय मिला दिया जाता है, माने कि विलयन बना दिया जाता है, तो उसमें विलायक के अणु यहां आकर के फंस जाते हैं और उस समय पर जो हमारा वाष्प के अणु हैं उसके अणु हैं वो कम पहुंचते हैं और तब उनका दाब इन पर जो लगता है वो कम लगता है। तो इसलिए हमेशा जो अवाष्पशील विलय मिला हुआ है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, इसलिए हमने इसका डिफरेंस लेते हैं डेल्टा पी इक्वल टू, माने कि जो वाष्प दाब में अवनमन, ये क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन, माने वाष्प दाब में कितनी कमी होगी, तो वो ये हो जाएगी, तो डेल्टा पी इक्वल टू पी जीरो माइनस पी। तो अब हम यहां पी ये एक और डेल्टा पी हम लिख सकते हैं ऐसे
कि डेल्टा पी इक्वल टू वाष्प दाब में अवलंबन, यह लिखते हैं वाष्प दाब में अवलंबन माने डेल्टा पी, डेल्टा पी इक्वल टू क्या हुआ पी जीरो विलायक का माइनस विलेयक का पी, ये हो गया और ये इक्वल टू हो जाता है पी जीरो इंटू एक्स वन, ठीक है पहली समीकरण। सो ये हमारी समीकरण दूसरा, ठीक है। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं कि अब ये हमारा P0 है ही, इस P पे हम ये मान रख सकते हैं, इस समीकरण दो में समीकरण एक से मान रखने, यहां ऐसे कर लो समीकरण दो में समीकरण एक से मान रखने तो क्या स्थिति हुई, फिर स्थिति ये हुई पी जीरो माइनस पी जीरो इंटू एक्स वन, ये स्थिति हुई हो जाएगी ना यहां रखने पर पी जीरो माइनस, ठीक है ये स्थिति हुई। अब इसमें से पी जीरो हम ले लेते हैं कि P0 हमने कॉमन ले लिया और यहां वन माइनस एक्स वन, ये आप जानते हैं कि टोटल मोल प्रभार बराबर का मान विलयन में कुल मोल प्रभार का मान बराबर एक, अब मूल प्रभाज है हमारे पास दो, एक विलायक का एक विलेय का, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो x2 इक्वल टू 1 माइनस x, तो इस 1 माइनस x1 की जगह पे हम x2 रख सकते, तो अब हमारा ये समीकरण क्या हो गया पी जीरो डेल्टा पी वन या डेल्टा पी इक्वल टू पी जीरो वन माइनस, ये तो लिख ही रखा है हम यहां पर, जैसे लिखो डेल्टा पी इक्वल टू पी जीरो इंटू एक्स टू, यहां से ठीक है तो अब पी जीरो इंटू एक्स टू हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं इसे ले आते हैं, ये मान लीजिए समीकरण हमारा तीन है, तो इसी को फिर हम कैसे लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इक्वल टू एक्स टू, अब इसे खोल के रखें तो डेल्टा पी का मान हम जानते हैं यहां से ये जानते हैं कि इसका मान क्या है, तो ये क्या हुआ पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो इक्वल टू, अब एक्स टू ये क्या है ये हमारे विलायक का वाष्प दाब है, ये हमारे सॉरी विलायक का नहीं विलेय का मोल प्रभाज है, यहां लिख देता हूं विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ किसी अब देखो यहां देखिए विलेय का मोल प्रभाज क्या हुआ
माना कि विलय की मूलों की संख्या बराबर n विलायक के मूलों की संख्या बराबर बड़ी n बना लीजिए। ठीक है, तो इसे हम यहां रख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा n अपॉन n प्लस n, ये हमारा एक संबंध बन गया। ठीक है, तो अब हम इस तरह से ये कह सकते हैं, क्योंकि मोल प्रभाव विलायक के एक निश्चित मोलों की संख्या में घुले विलेय के मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। मोल प्रभाव किसी विलयन में विलायक के घुले हुए मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, और ये किस पर निर्भर करता है, ये हमारा आपेक्षिक अवमन है। ये संपूर्ण जो है ये हमारा क्या है, पी जीरो माइनस पी अपॉन पी, ये क्या है, आपेक्षिक अवमन। ठीक है, ये आपेक्षिक अवमन है। तो ये अणुओं की संख्या पर निर्भर हो गया। तो इस तरह से भाई देखिए, अब ये टर्म क्या शो कर रही है, टर्म ये शो कर रही है कि किसी विलेय के जो अणुओं की संख्या है वो निर्भर करती है उसके आपेक्षिक अवनमन पर। तो इसका मतलब हुआ कि आपेक्षिक अवनमन किस पर, कैसी प्रॉपर्टी हुई हमारी, ये हमारी अणु संख्या प्रॉपर्टी, अणुसंख्यों पर निर्भर प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि मोल प्रभाव विलायक के एक निश्चित मोलों की संख्या में घुले विलेय के मोलों की संख्या पर मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तुदाब में सापेक्ष अवलंबन एक अणुसंख्या गुणधर्म है, एक अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, अब देखिए बात ये आती है कि इस टर्म से क्या अणुभार की भी कैलकुलेशन की जा सकती है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहां जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म है मिलियन में, इनमें से अधिकांश माने सभी पर अणुभार की कैलकुलेशन, जो विलेय के अणुभार की कैलकुलेशन है या विलायक के अणुभार की कैलकुलेशन है वो की जा सकती है। तो इसलिए उन टर्मों को भी साथ साथ में हमें पढ़ना है। तो यहां हम देख लेते हैं कि वास्तुदाब में सापेक्ष अवनमन से विलेय का अणुभार कैसे निर्धारण किया जाता है। अब देखिए यहां पर देख लीजिए, एन जो विलेय है, ठीक है, ग्राम में मात्रा बटे अणु, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं W अपॉन N। ठीक है, ये हमारा टर्म हो गया। इसी तरह से विलायक का, विलायक के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहां डिफरेंस करने के लिए इसको W डैश अपॉन M डैश कर देता हूं। ठीक है, तो ये दो बातें, इन दो बातों को हम प्रयोग यहां करते हैं, पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो इक्वल टू एक्स, ये विलेय का मूल प्रभाव है। यहां पी जीरो शुद्ध विलायक का वास्तुदाब है और पी विलेय का वास्तुदाब है। ठीक है, एक्स विलेय के मूल प्रभाव। तो ये हमने टर्म लिख लिया, यहां समझ ही लिया है, तो इसमें लिख लिया और अब इसमें ये मान हमने यहां रख दिए। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, ये मान यहां रख दिए, तो ये एक सूत्र हमारा ये बन जाता है। और यदि विलयन बहुत ही तनु है, अत्यंत तनु है, तो
विलेयक के अणुओं की सापेक्ष विलायक के अणु बहुत ही कम होंगे, अत्यंत कम होंगे। यहां लिख लीजिए अत्यंत कम। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे नेग्लिजिबल मान लेते हैं और उस स्थिति में पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो इक्वल टू एन अपॉन एन या पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मान आप रखेंगे। ये टर्म मैंने यहां कम कर दिया है, फिर भी आप रखना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू यहां पर डब्ल्यू अपॉन एम बटे डब्ल्यू डैश अपॉन एम। ठीक है, अब इससे के बाद ये टर्म आ जाएगा तो ये सूत्र आएगा। लेकिन ध्यान ही रहे कि ये हमारा अत्यंत तन विलयनों के लिए है। यदि अत्यंत तन विलयन नहीं है तो कैलकुलेशन इसी से करना, अन्यथा इससे उत्तर गलत आ जाएगा। हालांकि मैंने एक वीडियो में ये पीछे स्पष्ट भी कर दिया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या अंतर आता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि ये अत्यंत तन विलयनों के लिए है, जहां एन माने विलेय के अणु लगभग नेग्लिजिबल स्थिति में, वहां ही ये प्रयोग करना है। यदि किसी सवाल में ऐसा दिया हुआ है तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करें, अन्यथा इस फार्मूला से कैलकुलेशन करें, भले ही थोड़ी बहुत क्लिष्ट हो सकती है, तो आप सही तरह से अणुभार का निर्धारण कर पाएंगे। तो ये हमारा हुआ बास दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये उसका नियम है कि अवाष्पशील विलेय किसी विलयन में मिला दिया जाता है तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभार के बराबर होता है या मूल अंश के बराबर होता है। तो ये हमारा हुआ वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।